हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआरके टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर राजस्थान से, साइकेट्रिस्ट, मनोचिकित्सक, काउंसलर, सेक्सोलॉजिस्ट और डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग मुझे ये कहते हैं कि सर, हमारे दिमाग के अंदर इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग रहती है, हर वक्त इतने ज़्यादा विचार चलते रहते हैं, इतने ज़्यादा थॉट्स चलते रहते हैं, जिसकी वजह से हम हमारे काम पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हम हमारे जो वर्क है, स्टडीज़ है, उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। हर वक्त थका थका सा महसूस होता है, ऐसा लगता है जैसे दिमाग है वो किसी एक जंजाल के अंदर फंस गया है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम थॉटलेस स्टेट में आ जाएं? क्योंकि हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं कि थॉटलेस विचार शून्यता, की ऐसे स्टेट पॉसिबल है क्या कि हम विचार शून्यता आ जाए? विचार आए ही नहीं तो कितना मजा आ जाए। क्या ऐसी स्टेट पॉसिबल है जहां पर थॉटलेस हुआ जा सकता है, विचार शून्य हुआ जा सकता है? क्या ऐसा पॉसिबल है? दोस्तों, अगर आप इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। मैं पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं साइंटिफिक वे के अंदर। और दोस्तों, हम लोग 20 और 21 फरवरी 2021 को दिल्ली के अंदर कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी CBT के ऊपर लाइव वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अगर आप उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। अगर आप डिप्रेशन, फोबिया, पैनिक, जो स्ट्रेस, एंजाइटी, OCD, इन सब चीज़ों से अगर आप बाहर निकलने के लिए एक ऐसा रास्ता खोज रहे हैं जो बिना मेडिसिन भी आपको बहुत अच्छा हेल्प करता हो, सपोर्ट करता हो, तो आप इस वर्कशॉप के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं हमारे प्रश्न के ऊपर कि डॉक्टर कन्हैया, ये जो इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग होती है, इतना ज़्यादा हमारा दिमाग खराब होता है, दिमाग का जो दही होता है, क्या इस दिमाग के दही को हटाया जा सकता है? क्या ओवर थिंकिंग से जीरो वाली स्टेट में आ जा सकता है कि इतनी ज़्यादा अनंत वाले जो थॉट है उससे हम थॉट लेस वाली स्टेट में आ सकते हैं, विचार शून्यता वाली स्टेट में आ सकते हैं? क्या कहता है विज्ञान? तो समझिएगा दोस्तों जो मैं बताना चाह रहा हूं। विचार शून्यता मतलब थॉटलेस स्टेट, पूरा कॉन्सेप्ट स्टेट एक्सप्लेन कर रहा हूं दोस्तों। थॉटलेस स्टेट, क्या ऐसा पॉसिबल है कि दिमाग के अंदर कुछ भी थॉट ना आए? दोस्तों, जो विचार शून्यता वाली जो स्टेट है, थॉटलेस स्टेट है, वो दो प्रकार की होती है। एक जो होती है, जो एक विचार शून्यता वाली स्टेट होती है, वो होती है एब्सोल्यूट, या बोल सकते हो वास्तविक। ये वास्तविक से क्या मतलब? क्या रियल में ऐसा पॉसिबल है कि आपके दिमाग में कोई भी विचार ना आए? एग्जैक्टली ऐसा पॉसिबल है। कब पॉसिबल है कि आपके दिमाग के अंदर कोई भी थॉट ना आए? जब आपका ब्रेन डेड हो जाता है, उस स्थिति में आपके दिमाग के अंदर जीरो थॉट आता, चुन्नू सा थॉट भी नहीं आता। मतलब आपकी जब डेथ हो जाएगी, जब हमारी डेथ हो जाएगी, जब हमारी मृत्यु हो जाएगी, जब हम इस दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे, उस स्थिति के अंदर हमारे दिमाग के अंदर कोई भी थॉट नहीं आने वाला, हमारे माइंड के अंदर किसी भी प्रकार का थॉट नहीं आने वाला, ना पास्ट का, ना फ्यूचर का, ना प्रेजेंट का। हम एकदम पत्थर जैसे बन जाएंगे। उस स्थिति में हमारे दिमाग के अंदर कोई भी थॉट नहीं आता। मतलब जब भी इंसान की डेथ होती है, उसकी मौत होती है, उस स्थिति में उसका जो माइंड है, उसका जो ब्रेन है, वो डेड हो गया, तो उस स्थिति में उसके दिमाग के अंदर किसी भी प्रकार की कोई हलचल नहीं, किसी भी प्रकार का विचार नहीं, कोई थॉट नहीं। तो ये स्थिति आती है। और ये कई बार कोमा वाली जो स्टेट है उसमें भी ऐसा आता है, जो एब्सोल्यूट कोमा होता है, जो एग्जैक्टली जो कोमा होता है, उसके अंदर भी ऐसी स्थिति आती है कि आपके दिमाग के अंदर किसी भी प्रकार का कोई थॉट नहीं आ रहा होता। इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट थॉटलेस स्टेट, एब्सोल्यूट थॉटलेस स्टेट। मतलब वास्तव में एक ऐसी स्टेट जिसमें विचार नहीं आ रहा होता। क्या ऐसी स्थिति हम सबको चाहिए? नहीं, ये स्थिति तो बिल्कुल नहीं चाहिए। ये वाली जो है एब्सोल्यूट जो थॉटलेस स्टेट है, ये तो हमको नहीं चाहिए, है ना? तो हमें कौन सी चाहिए? तो इसमें एक दूसरा टाइप भी है। अच्छा, दूसरा प्रोडक्ट भी है। हाँ हाँ, एक दूसरा टाइप भी है इसका। वो दूसरा टाइप क्या है? रिलेटिव थॉटलेस स्टेट। रिलेटिव थॉटलेस स्टेट मतलब एब्सोल्यूट नहीं है, रिलेटिव थॉटलेस स्टेट मतलब एक आभासी, एक ऐसा सापेक्षिक एक थॉटलेस स्टेट डेवलप होता है। मतलब हमें लगता है कि दिमाग के अंदर विचार नहीं आ रहे, बट आ रहे होते हैं, लेकिन उसका एक सेंस ऐसे क्रिएट होता है कि हमारे दिमाग के अंदर कोई भी विचार नहीं आ रहा, कुछ चीजें हमें परेशान नहीं करें। मतलब एक सेंसलेस, मतलब एक सेंस क्रिएट होता है ऐसा, जिसमें हमारे अंदर हमें ऐसा फील होता है कि हमारे दिमाग के अंदर किसी भी प्रकार का कोई थॉट नहीं आ रहा। ऐसा दो सिचुएशन में होता है, ऐसा दो सिचुएशन में होता है जब हमें ऐसा लगता है कि हमारे दिमाग के अंदर थॉट्स नहीं आ रहे। जबकि थॉट्स आ रहे होते हैं,
बहुत ही तगड़ी तरह से थॉट आ रहे होते हैं, फिर भी हमें ऐसे लगता है कि हम किस स्टेट में हैं, थॉटलेस स्टेट के अंदर है। एक कब होता है, एक जब हमारा थॉट ब्लॉक हो जाता है। अब ये थॉट ब्लॉक क्या स्टेट होती है, जब दिमाग के अंदर विचार जाम हो जाते हैं, विचारों का जाम हो जाता है। जैसे आपने एक चौराहा देखा होगा, एक जो चौराहा होता है उसमें मान लीजिए इधर से भी गाड़ी आ रही है, इधर से भी गाड़ी आ रही है, इधर से भी गाड़ी आ रही है और इधर से भी गाड़ी आ रही है। चारों तरफ से अगर गाड़ियां आ रही है तो वहां पर गाड़ियों का क्या लग गया, जाम लग गया। वहां पर गाड़ियों का क्या लग गया, जाम लग गया। अब जाम लग गया तो ना तो इधर वाला थॉट इधर आगे बढ़ रहा है, ना इधर वाला इधर आगे बढ़ रहा है, ना इधर वाला इधर आगे बढ़ रहा है, ना इधर वाला इधर आगे बढ़ रहा है। मतलब कोई भी थॉट है वो आगे मूव होता हुआ हमें नहीं लग रहा होता। तो ये जो थॉट ब्लॉक वाली स्टेट होती है, जब हम स्ट्रेस में होते हैं, जब हम एंजाइटी में होते हैं, जब हम बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, जब हम ओवर थिंकिंग में होते हैं, तो जो इन हैंड हमारा टास्क होता है, जो काम हम करना चाहते हैं उससे रिलेटेड थॉट हमारे दिमाग में नहीं आ रहे होते। जो हमारा इन हैंड टास्क होता है उससे रिलेटेड थॉट्स हमारे दिमाग के अंदर नहीं आ रहे होते। मैं मेरा ऑफिस वर्क करना चाह रहा हूँ उससे रिलेटेड नहीं आ रहे होते, मैं मेरी स्टडीज करना चाह रहा हूँ उससे रिलेटेड चीजें मेरे दिमाग के अंदर इतनी स्ट्रांगली नहीं आ रही होती। वो जो स्टेट होती है थॉट लेस स्टेट होती है, लेकिन ये एक रिलेटिव थॉट लेस स्टेट होती है। इसमें भी थॉट्स तो बहुत ज्यादा आ रहे होते हैं लेकिन लगता ऐसा है कि विचार नहीं आ रहे मेरे दिमाग के अंदर। मेरा दिमाग जैसे ऐसे जाम सा हो गया है, मेरा दिमाग जैसे जाम हो गया है, कोई नई चीज मेरे दिमाग के अंदर नहीं आ रही। तो ये क्या है, एक रिलेटिव थॉटलेस स्टेट है। ये एक बीमारी का साइन है। ये जो थॉट ब्लॉक है या ओवर थिंकिंग वाला जो मामला है, जिसके अंदर हमारे अंदर एक ऐसा सेंस क्रिएट होता है कि कुछ एक्स्ट्रा आ ही नहीं रहा, कुछ दिमाग के अंदर आ ही नहीं रहा, कोई विचार आ ही नहीं रहा, अच्छे वाला थॉट है वो आ ही नहीं रहा, रिलेटिवली नेगेटिव 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 ब्लॉक हो रखे हैं, उससे आगे मैं बढ़ ही नहीं रहा, मुझे लग ही नहीं रहा कि मेरा जीवन किसी तरह से आगे बढ़ रहा है। तो ये जो रिलेटिव जो थॉटलेस स्टेट है, ये इलनेस है, ये एंजाइटी के अंदर होता है ऐसा, जब हम इस स्टेट में होते हैं। एंजाइटी या डिप्रेशन या जो ओवर थिंकिंग हो रही होती है, मतलब बहुत सारे थॉट्स इधर से पीछे से आगे से, तो सारी चीजें एक जगह पे क्या हो जाती है, रुक जाती है। तो ये तो है थॉट ब्लॉक जैसे स्टेट। एक और स्टेट ऐसी होती है जब हमें ऐसे फील होता है कि हमारे दिमाग के अंदर कोई थॉट नहीं आ रहा, मतलब आपका जो इन हैंड टास्क है, जो आप काम कर रहे हैं उसी से रिलेटेड थॉट आए, जो आप काम कर रहे हैं मतलब जो आपका प्रेजेंट मोमेंट है उसी से रिलेटेड थॉट आए, ना पास्ट का ना फ्यूचर का, सिर्फ प्रेजेंट का, जो आप काम कर रहे हैं, मतलब जितना उस टास्क की जरूरत है उतने ही दिमाग में थॉट आए, जितना उस टास्क की जरूरत है उतना थॉट ही दिमाग में आए, मतलब जहां पर इनपुट और आउटपुट दोनों बैलेंस हो, मतलब माइनस और प्लस दोनों बराबर हो, मतलब माइनस वन है तो प्लस वन हो, माइनस टू है तो प्लस टू हो। इनपुट अगर आपका माइनस वन है, आउटपुट अगर प्लस वन है, तो दोनों को अगर आप मिला दोगे माइनस वन और प्लस वन तो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इनपुट अगर माइनस टू है और जो आपको प्रॉफिट हो रहा है प्लस टू का प्रॉफिट हो रहा है, तो माइनस टू प्लस टू कितना हो गया, जीरो। ये एक स्टेट आती है कि मतलब आप जो भी काम कर रहे हो आप पूरी तरह से उसमें एब्जॉर्ब हो गए हो, आपकी जो कॉन्शियस है वो पूरी तरह से उसमें एब्जॉर्ब हो गई है, आपके दिमाग के अंदर इसके अलावा कोई थॉट नहीं चल रहा, आपके दिमाग के अंदर उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा थॉट नहीं चल रहा, किसी भी प्रकार का कोई थॉट आपके दिमाग में नहीं आ रहा। ये वाली जो रिलेटिव जो थॉटलेस स्टेट है, ये सबसे ऑसम स्टेट है। जो ये रिलेटिव थॉटलेस स्टेट है, मतलब जो आप काम कर रहे हो, जैसे मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूं, मैं आप लोगों को एक थॉटलेस के ऊपर एक इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं, मेरे दिमाग में सिर्फ इससे रिलेटेड चीजें आ रही है, इसके अलावा मेरे दिमाग में ये नहीं आ रहा कि आपको कैसा लगेगा, आपको समझ में आएगा, उसको समझ में आएगा, वो समझेगा या कोई हंसी उड़ाएगा, ऐसा थॉट मेरे दिमाग में नहीं आ रहा। मेरे दिमाग में सिर्फ इतना सा चल रहा है कि मैं इस चीज को कैसे एक्सप्लेन करूं, मैं इस चीज से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑटोमेटिक मेरे दिमाग में आ रही है। आई एम नॉट प्लानिंग कि मुझे बाद में क्या एक्सप्लेन करना है। ये जो स्टेट है, जब आप किसी काम के अंदर खो जाते हैं, आप कोई सा भी वो काम हो सकता है, आप क्रिकेट खेल रहे हैं, आप क्रिकेट के अंदर खो गए हैं, तो ये एक रिलेटिव थॉटलेस स्टेट है। आप डांस कर रहे हैं, आप डांस के अंदर खो गए, आपकी कॉन्शियस एब्जॉर्ब हो गई है, ये एक रिलेटिव थॉटलेस स्टेट है। आप मेडिटेशन कर रहे हैं, मेडिटेशन में खो गए हैं, तो ये आपके रिलेटिव थॉटलेस स्टेट है।
आप सिंगिंग कर रहे हैं, सिंगिंग के अंदर आप खो गए हैं, आपकी पूरी जो कॉन्शियस है वो एब्जॉर्ब हो गई है, ये एक रिलेटिव थॉटलेस स्टेट है। आप जो भी काम कर रहे हैं, आप साइकिलिंग कर रहे हैं, आप रस्सी कूद रहे हैं, आप अपने ऑफिस वर्क कर रहे हैं, आप अपनी स्टडीज कर रहे हैं, ये जितने भी आप काम कर रहे हैं जिनके अंदर आप पूरी तरह से खो जाते हैं, आपकी कॉन्शियस पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाती है, वो वाली जो स्टेट होती है वो सबसे जबरदस्त स्टेट होती है। ये एक रिलेटिव थॉटलेस स्टेट होती है, मतलब इसके अंदर ना तो कोई पास्ट की कैलकुलेशन होती है, ना इसके अंदर कोई फ्यूचर की कैलकुलेशन होती, किसी भी प्रकार की कोई कैलकुलेशन नहीं चल रही होती। ये वाली जो स्टेट है वो सबसे ऑसम स्टेट है, ये वाली जो स्टेट है वो सबसे ऑसम स्टेट है, मोस्ट हैप्पीएस्ट स्टेट है। मतलब इसके अंदर अपन जिंदगी में सबसे ज्यादा खुश होते हैं, मतलब जिसको हम बोल सकते हैं कि ऊपर वाले की बहुत तगड़ी कृपा है। ऐसी वाली स्टेट है जब आपके साथ में ऐसा होता है कि आप सिर्फ उसी टास्क से रिलेटेड थॉट आपके दिमाग में होते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं होते। जबकि ये वाला जो स्टेट है ये एक बीमारी की स्टेट है, इसके अंदर जो ओवरथिंकिंग इतनी ज्यादा हो रही होती है, पूरा थॉट ब्लॉक हो जाता है, जो इनहैंड टास्क है उससे रिलेटेड कोई थॉट नहीं आ रहा था, तो हमें यूं लग रहा होता है कि वहां पे भी क्या हो गया है, थॉट जीरो हो गया है। जबकि वो थॉट जीरो नहीं है, बहुत ज्यादा थॉट्स की इतनी ज्यादा अनऑर्गेनाइज्ड बम्बारिंग हो रही है। यहाँ पर जो थॉट्स होते हैं वो इतने अनऑर्गेनाइज्ड वे में होते हैं, पास्ट का भी आ गया, फ्यूचर का भी आ गया, अभी का भी आ गया, इनसिक्योरिटी इतनी ज्यादा हावी हो रखी होती है कि हम कुछ और चल ही नहीं पा रहा होता हमारे दिमाग के अंदर, जो इनहैंड टास्क है। तो ये जो थॉट ब्लॉक वाली स्टेट है ये एक बीमारी की स्टेट है, और हमें इस स्टेट से इस स्टेट की तरफ जाना होता है। हमें जो मोस्ट जो हैप्पीएस्ट स्टेट है, जो रिलेटिव थॉटलेस वाली स्टेट है, उस साइड हमें जाना होता है। इसमें जाने में बहुत सारे वे हैं जो मदद करते हैं। आप योगा की प्रैक्टिस कर सकते हो, आप मेडिटेशन की प्रैक्टिस कर सकते हो, और सबसे खूबसूरत आप कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है उसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो, ताकि आप इस वाले स्टेट में आ जाओ, जो आपका थॉटलेस स्टेट है, जो रिलेटिव थॉटलेस स्टेट है वो आप इसमें आ जाओ। तो अगर हम हमारे शुरुआत के प्रश्न के ऊपर जाएं कि विचार शून्यता संभव है, हाँ विचार शून्यता संभव है, लेकिन एब्सोल्यूट वाली वो हमें नहीं चाहिए, वो हो जाएगी जब हमारी डेथ होगी या हम कोमा में जाएंगे तो एब्सोल्यूट वाली हो जाएगी, ये हमें नहीं चाहिए। ये वाली जो रिलेटिव थॉटलेस स्टेट है ये भी नहीं चाहिए, ये बीमारी वाली है, एंजाइटी ओसीडी वाली, पैनिक वाली, ओवरथिंकिंग वाली। जब सब कुछ ब्लॉक हो जाता है, हम हमारा जो जीवन का जो लक्ष्य होता है उस लक्ष्य की तरफ नहीं बढ़ पा रहे होते, उस लक्ष्य से रिलेटेड हमारे दिमाग के अंदर थॉट नहीं आ पा रहे होते, तब हमें लगता है कि थॉटलेस स्टेट हो गई है। तो ये वाली जो स्टेट है ये क्या है, बेसिकली एक थॉट ब्लॉक है, क्योंकि इतने ज्यादा अनऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर थॉट्स आ रहे हैं, हमारा पूरा दिमाग खराब हो जाता है। और तीसरा वाला सबसे जबरदस्त स्टेट, जिंदगी की सबसे खूबसूरत स्टेट, अगर आपको ये मिलती है तो समय धन्यवाद देना हर एक उस चीज को जो चीज आपको इस दिशा में लेके जाती है अपनी लाइफ में, हर एक उस मोमेंट को, उस पल को, उस पर्सन को, उस सिचुएशन को थैंक्स बोलना कि जब आपके जीवन में ये वाली स्टेट आती है, जब आप इस जिंदगी का सबसे खूबसूरत एक्सपीरियंस अपने जीवन में ले रहे होते हैं, अपने वर्तमान में अपने आसपास होने वाली हर घटना का आप पूरी तरह से आनंद ले रहे होते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे YouTube चैनल DRKTV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।